जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अनुराग रिव्यूज एंड टेक में। दोस्तों आज मैं आपसे बात करूंगा सबसे बेकार पांच ऐसे व्हीकल टू व्हीलर जो कि वैल्यू फॉर मनी बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि वे उनकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, सब चीज़ बढ़िया है, लेकिन उनकी जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा महंगी है या थोड़ी महंगी है। मतलब उसकी कीमत जितनी उनकी है वो इतनी नहीं होनी चाहिए थी, थोड़ी कम होनी चाहिए थी या ज़्यादा कम होनी चाहिए थी। मैं आपको इसमें इस कैटेगरी में 125 सीसी से लेकर 400 सीसी तक के आपको टू व्हीलर बताऊंगा। और ये वे टू व्हीलर्स हैं जो इंडिया में काफ़ी बिकते हैं, मतलब उनकी गिनती ठीक ठाक है। ऐसे नहीं हैं जो मतलब इसमें और भी बहुत महंगे महंगे भी टू व्हीलर्स हैं, लेकिन वे बहुत बहुत कम बिकते हैं। मतलब उनकी जो सेल फिगर्स हैं वो बहुत बहुत ही कम है। तो जो भैया एक दो ही बिकती हैं या चार पांच बिकते हैं उनको मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। वे किया है जो रेगुलरली हमारी काफ़ी बिक जाती हैं टू व्हीलर्स। तो इसमें सबसे पहले 125 सीसी कैटेगरी में मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले आता है कि स्कूटर। स्कूटर है 125 वेस्पा का SXL। ये 125 सीसी का स्कूटर है जो कि 9.7 BHP और 9.6 न्यूटन मीटर टॉर्क का इंजन के साथ में आता है। इसकी जो कीमत है वो है 1,35,000 रुपये की ऑन रोड। इस कैटेगरी में 125 सीसी कैटेगरी में इससे बढ़िया इंजन परफॉर्मेंस के साथ में आपको एंटोर्क मिल जाएगा, बर्गमैन मिल जाएगा, लेकिन उनकी कीमत काफ़ी कम है इससे अगर हम कंपेयर करें। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि ये जितनी भी व्हीकल मैं आपको बता रहा हूँ सब BS6 के साथ में अब अवेलेबल हैं। और यही उनकी प्राइस भी मैं बता रहा हूँ, BS6 वर्जन जो अब इनका आ चुका है, BS6 नॉर्म्स के साथ में ये आ चुके हैं, उनकी मैं आपको प्राइस भी इनकी बताकर चल रहा हूँ। तो वेस्पा का SXL 125 सीसी का जो स्कूटर है वो वैल्यू फॉर मनी नहीं है। मेरे हिसाब से इसकी कीमत ज़्यादा है, करीबन 20,000 रुपये के आसपास इसकी कीमत कम होनी चाहिए थी। नेक्स्ट है KTM की RC125। अब देखिए ये फीचर्स बहुत अच्छे हैं, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, लुक्स वाइज बहुत बढ़िया है, परफॉर्मेंस बाइक है, और 125 सीसी में इतने फीचर्स दे रखे हैं शायद किसी और 125 सीसी बाइक में ना हो, लेकिन इसकी जो कीमत है वो है 1,85,000 रुपये ऑन रोड। अब यार एक बात बताओ, 125 सीसी पे 1,85,000 रुपये कौन फूकेगा? और अगर फूकेगा भी तो वो सोचेगा जरूर एक बार। अब इसमें जो आपको इंजन मिलता है वो मिलता है 14.5 BHP का और 12 न्यूटन मीटर का सिर्फ, जिसकी की परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया नहीं है इसकी कीमत को देखते हुए। हालांकि बाइक बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत लगती है, हर चीज़ फीचर्स वगैरह सब चीज़ बढ़िया है, लेकिन कीमत बहुत ज़्यादा है। मेरे हिसाब से इसकी कीमत करीबन 1,40,000 या 35,000 रुपये के आसपास होनी चाहिए थी, मुझे ऐसा लगता है। दोस्तों अब ये दोनों 125 सीसी की मैंने कैटेगरी की बात करी, अब मैं बात करता हूँ 150 सीसी की कैटेगरी में। तो यहाँ पर आती है, परेशान मत होना, यामा R15 वर्जन 3.0 नहीं ले रहा, लेकिन यामा की ही MT15, और इसकी जो कीमत है अब ऑन रोड 1,66,000 रुपये के साथ में आपको मिलती है। जो कि देखिए मुझे ये बाइक पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, लेकिन समस्या यह है, एक तो इसमें सिंगल चैनल ABS दे रखा है, साथ ही साथ इसमें ऐसी कोई चीज़, मतलब इसमें इतनी कीमत इसकी नहीं होनी चाहिए थी, थोड़ी अगर कम होती ना तो यार ये तहलका है बाइक। मतलब इसकी इसकी डिज़ाइनिंग, इसकी बिल्ड क्वालिटी, इसकी इंजन, इसकी सब चीज़ बढ़िया है, लेकिन कीमत बहुत ज़्यादा कर दी। अगर इसकी कीमत 1.5 लाख रुपए के आसपास होती तो बहुत ही बेहतरीन बाइक थी। यामा R15 वर्जन 3.0 की कीमत जो है वो जस्टिफाई इसलिए कर लेती क्योंकि वो फेयरिंग के साथ में एक अच्छी, मतलब फुल फेयरिंग बाइक के बाइक का आपको एहसास दिलाती है, और मतलब फुल फेयरिंग बाइक है, और मुझे उसकी कीमत जस्टिफाई लगती है जिस तरह की वो बाइक है। लेकिन MT15 की कीमत मुझे जस्टिफाई नहीं लगती भैया, बिल्कुल भी। इसमें जो आपको पावर मिलती है वो मिलती है 17.9 BHP की और 14 न्यूटन मीटर का टॉर्क इसमें मिलता है। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ 250 cc की बाइक की, इसमें आती है KTM ड्यूक 250। अब 250 सीसी कैटेगरी में बहुत कम बाइक्स आती हैं, लेकिन ड्यूक 250, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ वैल्यू फॉर मनी बाइक्स की। अब देखिए बाइक में सब चीज़ बढ़िया है, इंजन बहुत बढ़िया है, फीचर्स BS6 नॉर्म्स के साथ में और भी बेहतर हुए हैं, लेकिन कीमत जो इसकी है वो है 2,35,000 रुपये की ऑन रोड, और ये कीमत मुझे ज़्यादा लगती है। इस बाइक की कीमत जो है मेरे हिसाब से होनी चाहिए थी लगभग 1,90,000 या 1,95,000 रुपये के आसपास। तो ये
बाइक बहुत ही बेहतरीन रहती है, परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है, लुक्स वाइज बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कीमत ज़्यादा है। अब दोस्तों नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है 400 सीसी में। इसमें जो बाइक आती है वो आती है कावासाकी निंजा 400। अब कावासाकी निंजा 400 की सेल इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन काफ़ी लोग इसे फिर भी ख़रीद लेते हैं। इसकी कीमत जो है वो है 5,78,000 रुपये। अब देखिए 400 सीसी, मैं समझता हूँ काफ़ी अच्छी इसकी पावर है, परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया देती है बाइक, और बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, ब्रांड बहुत बड़ा है, लेकिन 5,78,000 रुपये जस्टिफाई नहीं करते इस बाइक को, कीमत बहुत ज़्यादा है। अगर मैं बात करूँ डोमिनार 400 की, मैं ये नहीं कह रहा दोनों बाइकें सेम हैं, बहुत डिफरेंस है दोनों में, लेकिन कीमत में बहुत ज़्यादा फ़र्क दे दिया। मेरे हिसाब से इस बाइक की कीमत बहुत ज़्यादा है, और अगर इसको बाइक को ये बाइक करीबन 3.5 लाख रुपए के आसपास होती तो बहुत ही बढ़िया रहती, लेकिन बहुत ज़्यादा इसकी कीमत बढ़ा दी गई है। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो, 5 सबसे ज़्यादा बाइक, वे बाइक है जो वैल्यू फॉर मनी नहीं है, बिल्कुल भी वैल्यू फॉर नहीं है ये बाइक के 5। तो दोस्तों यही थी मेरी वीडियो आज की, अगर आपको, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। तो और कोई अगर आपको क्वेश्चन हो तो बिल्कुल आप मुझसे पूछ सकते हैं, या आपकी नज़र में अगर कोई ऐसी बाइक है जो वैल्यू फॉर मनी नहीं है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपने आसपास सफाई रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, टेक केयर।